जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एम एल टू टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन की डायमेंशन सूत्र क्या होगी। तो डायमेंशन इसकी फाइंड आउट करना है, तो डायमेंशन इसका जो डायमेंशन होगी ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक की डायमेंशन है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर पी वी अपॉन टी, पी वी अपॉन टी इसी को हम पढ़ते हैं पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। जब ये इसको पढ़ते हैं बी वी आर एन आर टी, जब आर फाइंड आउट करेंगे तो आर बराबर होता है ऊर्जा बटे आपकी ताप। ऊर्जा की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी के पावर माइनस टू, एम एल टू टी के पावर माइनस टू। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो होता है केल्विन, तो निकलेगी एम एल टू टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक डी नंबर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को बर्फ पर खींचने के लिए 40 न्यूटन की आवश्यकता होती है, तो घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक का फार्मूला होता है बल हमको दिया है एफ बराबर 40 न्यूटन, एम बराबर 50 केजी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है F बराबर म्यू आर, क्या होता है F बराबर म्यू आर। जब इसको फाइंड आउट करेंगे हमको क्यों निकाल क्या निकालना है, म्यू निकालना है। जब म्यू आर निकालना है तो R की जगह आप पहले वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि R बराबर होता है एम जी, क्या होता है R बराबर एम जी। एम दिया है आपको 50, जी दिया है 10, तो ये R बराबर कितना हो गया 500। तो जब ये 500 हो गया तो अब हम फार्मूले में रखेंगे तो 40 न्यूटन एफ हो गया, म्यू आर 500 हो गया। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 40/500, जीरो से जीरो कट जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा, एक बार डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, उसके बाद 0.08। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कौन सा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, जो दूरी है वो टाइम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो ये कहा जा सकता है कि नंबर ए ऑप्शन दिया है शून्य वेग से चल रही है, नंबर बी दिया है कि अचर चाल से चल रही है, नंबर सी दिया है त्वरण अचर है, नंबर डी दिया है वेग एक समान है। अब ये क्या कह गया, समय जो वस्तु की तय की गई दूरी है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि समय का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये मान चलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एसीलेशन की। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है एक साइकिल सवार चक्कर 4 मिनट में पूरा करता है, तो औसत चाल, औसत चाल का फार्मूला होता है क्या होता है 2πr/t, क्या 2πr/t, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग है इसमें 2πr/t। जब t का मान 4 है, नीचे 4 रखेंगे, 2 × π का मान कितना होता है, पाई के मान इसमें पाई आ रहा, तो वैल्यू पाई ये पुटअप ना करो। उसके बाद आर का मान कितना है 100, ये 200 हो जाएगा, 40 की जगह 50 मीटर पर मिनट आएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 15π/min। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने में किया गया कार्य दूरी शून्य हो नहीं सकती घूर्णन गति के कारण, नंबर डी नन ऑफ दिस, विस्थापन जब आपका शून्य होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यू टू भारी जल का अनुभार होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यू टू भारी जल का अनुभार होता है, जो ड्यू टू भारी जल का अनुभार होता है वो 20 amu होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, नंबर ये ऑप्शन दिया है जी 9.8 m/s, ये आपको पता है 9.6 स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m/s, ठीक है। जो आपका सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है वो होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ m² kg², तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युत आवेशों के परीक्षण, वैद्युत आवेशों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम परीक्षण है, जो वैद्युत आवेशों की जो वो होती है, मतलब कि परीक्षण करने के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो होता है, नंबर ए ऑप्शन दिया आकर्षण, नंबर बी प्रतिकर्षण, नंबर सी ए दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको वैद्युत आवेशों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम परीक्षण निम्न है, वो है प्रतिकर्षण, याद रखना कि प्रतिकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जड़त्व आघूर्ण बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है, जब आपका जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा
तो आपका जो आवर्तकाल है वो भी बढ़ता है, क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा तो आपका टी भी बढ़ेगा। आवर्तकाल मोल पर मोल मात्रा का नंबर या ऑप्शन या द्रव्यमान का नंबर, बी ऊष्मागतिकी का नंबर, सी दिया पदार्थ का नंबर, डी धारक का नंबर। तो बात करें मोल जो मात्रा का, वो मोल मात्रा के पदार्थ की मात्रा का यूनिट मोल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे होती हैं, जो तनी हुई डोरी में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, वो होती हैं आपकी अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे वो कहती हैं जिनको मतलब कि आगे नहीं बढ़ सकती, जिनकी फिक्स निश्चित लंबाई होती है। अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं, जिनकी निश्चित नहीं लंबाई होती है, ठीक है, वो अप्रगामी तरंगे होती हैं। तो इसलिए तनी हुई डोरी में उत्पन्न जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि वो एक फिक्स है यहाँ से यहाँ के बीच में डोरी बंधी होती है। नेक्स्ट है कि एक डिग्री सेल्सियस के ताप में वृद्धि में हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो नंबर ये ऑप्शन है 0.11 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, 0.22 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, 0.61 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, नन ऑफ दिस। एक डिग्री सेल्सियस के ताप वृद्धि करें तो ध्वनि के वेग जो बढ़ जाता है वो आपका बढ़ जाता है 0.61 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। एक कैलोरी बराबर, एक किलो कैलोरी बराबर होती, तो एक किलो जो कैलोरी बराबर होती वो आपकी होती है 4200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तन की क्रिया हमेशा होती है, जो अपवर्तन की क्रिया होती है वो किस में होती है, तो जो अपवर्तन की क्रिया होती है ये कम से कम दो माध्यमों के बीच में होती है, जब वो क्योंकि इसमें जो अपवर्तन होता है वो दो माध्यमों के बीच होता है। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो ज्योति तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है कैंडिला। क्या होती है, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडिला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर क्या हो गया u दूरी पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब लेंस v 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो फोकस दूरी, तो इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सब निगेटिव निगेटिव लिए जाएंगे, तो इस वजह से जो हमारा आएगा 1/f बराबर 1/-1/10 -1/1 -20, ठीक है। जब ये आएगा तो उसके बाद जो आपका निकल के आएगा 1/f बराबर 1/10, जो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20/f, तो ये जो राइट आंसर आपका जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे बचेगा क्या 20, क्योंकि 10 बचेगा देते हम 200, तो जो आपका बचेगा 20, तो f बराबर 20, तो f बराबर 20 मीटर। ये किस में आएगा, माइनस में आएगा अवतल लेंस, ठीक है, माइनस ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायोप्टर में से किसका मात्रक है, डायोप्टर जो है वो आपका लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है नंबर ए डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के लिए, एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में, तो जो ट्रांसफार्मर की एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है एसी वोल्टता जो होती है उसको घटाने या बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक को उसकी मध्य बिंदु से चुंबकीय लंबाई के लंबवत दो भाग कर दिए जाए, जब मध्य बिंदु से लंबवत दो भाग कर दिए जाते हैं तो उसकी जो वो होती है ध्रुव प्रबलता वो चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती, इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर में लगा होता है, जो ट्रांजिस्टर में लगा होता है वो क्या लगा होता है, नंबर ए सुचालक पदार्थ, नंबर दो कुचालक पदार्थ, नंबर तीन अर्धचालक पदार्थ, नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो ट्रांजिस्टर में लगा होता है वो हमेशा अर्धचालक पदार्थ लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान हीटर जिस पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित हैं, यदि श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट में जोड़ा जाता है तो कुल उत्पन्न शक्ति का मान क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होगा पी प्रोपोर्शनल आर, क्योंकि शक्ति पूछ रहा है, इसलिए जो आपकी जोड़ा जाता है उसे जो आपका प्रतिरोध होता है उससे जोड़ा जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला होगा P2/P1=R2/R1, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये जस्ट दोगुना है ना, तो P2/P1=2R/R, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा P2/P1, और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 200 गुणते P1 की तरह 100 वाट, जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 200 वाट।
इसलिए राइट आंसर हमारा आ जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकारी रेक्टिफायर मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है। तो रेक्टिफायर जो आपका यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया दृष्टिकारी धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने की, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने की। जो दृष्टिकारी यूज़ किया जाता है वो एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी। नंबर है ऑप्शन न्यूटन ने नंबर भी दिया, आइंस्टीन ने नंबर दी, रदरफोर्ड नंबर डी, जेम्स वाट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो खोज की थी वो की थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने उसके लिए कौन सा फार्मूला दिया था, ई और आर एम सी स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी समीकरण में सी का मान क्या होगा जबकि वी विभवांतर क्यू आवेश। तो यहाँ पे सी सीधा वा धारिता है, सी संधारित्र की धारिता, इसलिए 24 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश चालक में आवेशी चालक में आवेश की स्थिति होती है। जो आवेशी चालक में आवेश की स्थिति, नंबर ए आंतरिक बिंदु पर, नंबर बी बाह्य सतह पर, नंबर डी मध्य बिंदु पर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो आवेशी चालक की आवेशी चालक में आवेश स्थित होती है वो बाह्य सतह पर होती है। कहाँ होती है, बाह्य सतह पर। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।